ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने पूरे बिल्डिंग का बजट निकाल सकते हो और साथ में अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि उसके बिल्डिंग बनने से पहले कितना बजट उसके पूरे प्रोजेक्ट का आने वाला है। तो यही इसी के बारे में बात करेंगे, इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो है बिल ऑफ क्वांटिटी। देखिए बीओके क्या है, बीओके एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मटेरियल कॉस्ट क्वांटिटी इन सब के पार्ट का जब कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि आप ये बिल्डिंग एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है, लेकिन क्लाइंट को इस बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको फंड रिक्वायरमेंट कितना चाहिए और फंड उसके पास अवेलेबल है या नहीं और साथ में टेंडर और बिडिंग की कॉस्ट, ये सारा का सारा पार्ट जब हम करेंगे और ये जो डॉक्यूमेंट रेडी होगा उसको बोलते हैं बीओके। पूरा दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। साथ में एक फ्री बीओक्यू भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी की। देखिए बीओक्यू समझने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस जान लो कि क्यों बीओक्यू हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। सबसे पहले है कॉस्ट एस्टिमेशन। आपको एनालिसिस होना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ये डिजाइन हो जाए कि भैया इसमें मटेरियल्स क्या होने वाला है, इसका प्रोजेक्ट का बजट कितना आने वाला है, जो आप आइटम्स निकाल रहे हैं उन आइटम्स का रेट क्या एनालिसिस होने वाला है, ये सारा का सारा पार्ट आप पहले एनालिसिस कर लें। दूसरा टेंडरिंग एंड बिडिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये, क्योंकि टेंडर जमा करने के लिए जो रेट कोट करना है हमें वो हमारा इस बीओक्यू शीट से ही फाइनली निकल के आने वाला है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल रेफरेंस की कंस्ट्रक्शन के एक एक डॉक्यूमेंट जो हम रेडी करने वाले हैं उन सबके रेफरेंस के हिसाब से हम अपना बीओक्यू रेडी कर पाएंगे। और साथ में मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, जो मटेरियल हमारे इनिशियली लगने वाले हैं उनके प्रोक्योरमेंट हम यहां पे कर पाएंगे कि कितना परचेज ऑर्डर लगाना पड़ेगा, कितना यहां यूज हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल यहां पर हम इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। और लास्ट है प्रोजेक्ट की कंट्रोल और मॉनिटरिंग। देखिए यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो सिविल गुरुजी आपकी हेल्प करेगा इस बीओक्यू को बनाने के लिए, इस बिल ऑफ क्वांटिटी को बनाने के लिए कैसे करेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मोड ऑफ मेजरमेंट समझना पड़ेगा कि हर एक आइटम इज व्हाट, कि आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, आप बीम की कास्टिंग कर रहे हैं, आप फॉर्म वर्क लगा रहे हैं यहां पर, आप वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, तो इनके मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, किस जरिए से, किस दिशा से आप अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में इनको लिख पाओगे, तो ये सिविल गुरुजी आपकी हेल्प कर रहा है। साथ में परफेक्शन इन ड्रॉइंग रीडिंग, ड्रॉइंग को अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बीओक्यू बनाने का कोई उचित नहीं है, बीओक्यू नहीं बन पाएगा आपसे, इसलिए उसमें परफेक्शन होना पड़ेगा, तो सिविल गुरुजी आपकी यहां पर हेल्प कर रहा है। साथ में नॉलेज ऑफ आईएएस स्टैंडर्ड नॉर्म्स, इंडियन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स होते हैं और ऑब्वियसली मोड ऑफ मेजरमेंट में तो इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स काम करता है। सिविल गुरुजी ऑफिशियल चैनल पर काफी सारे वीडियोस मैंने आईएएस कोड 1200 के ऊपर बनाए हुए हैं। और साथ में है रेट एनालिसिस या गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीओक्यू बनाने के लिए। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक मैं बीओक्यू शीट ओपन किया हूं आप लोगों के लिए, तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। सबसे पहले बिल ऑफ क्वांटिटी आप यहां देख रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सैनिक स्कूल कॉम्प्लेक्स का मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और जिसमें एक इंजीनियर नेम यहां पर लिखा हुआ है, साथ में टेंडर का अमाउंट लिखा हुआ है, करीबन मैं कहूं तो 81 लाख के आसपास का ही प्रोजेक्ट अमाउंट यहां पर दिख रहा है आपको। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखो, एक टेबल यहां पर डिस्प्ले हो रही है कि आपको इस टेबल में दिखाना क्या है, क्लाइंट को बेसिकली आपको प्रेजेंट क्या करना है यहां पर, तो सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट रेट, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर ये अमाउंट्स दिख रहा है। अमाउंट देखिए ऑब्वियसली यही हमारा फाइनल आउटकम होने वाला है इस पूरे बीओक्यू का। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि अर्थवर्क मैंने लिखा, अर्थवर्क मतलब ऐसा पूरे प्रोजेक्ट का मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य है जो कि मैं यहां पर लिखने वाला हूं, जितना भी मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य होने वाला है। अब देखिए आप सोचिए मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य कौन सा होगा, सबसे पहले साइट क्लियरेंस इज द वर्क फॉर अर्थवर्क। अर्थवर्क के अंदर एक पार्ट आएगा, दैट इज साइट क्लियरेंस। अब साइट क्लियरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली साइट क्लियरेंस होगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट का जो लैंड एक्विजिशन किया है उस लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी बनाना है मुझको, उसको बोलते हैं साइट क्लियरेंस। आप सीखना चाहते हो यदि ऐसा ही पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, तो सिविल गुरुजी के उन कॉस्ट फॉर बिल्डिंग, कॉस्ट फॉर हाईवे और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो कि ऑफलाइन ब्रांचेस में अवेलेबल है, वहां पर ये सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। फिर आ जाता है हमारा एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन में नॉर्म्स क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स क्या कहता है इसके बारे में, कि आपके एक्सकवेशन की डेप्थ 1.5 मीटर है तो क्या होगा, आपकी एक्सकवेशन की डेप्थ 2 मीटर है तो क्या होगा, आपका एक्सकवेशन मडी कंडीशन में है तो क्या करना है, हमको ये पूरा का पूरा डिटेल अवेलेबल है। देखिए ये सारा का सारा बीओक्यू मैंने आप लोग के लिए दे दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे बीओक्यू को। और साथ में कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिए, जाकर जरूर देखिएगा उसको। चलिए आगे चलते हैं इस बीओक्यू में, थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहां पर आता है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब आरसीसी के बारे में बात करने जा रही है। M25 का ग्रेड यूज किया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, जिसका 35.54 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आया। कैसे आया ये 35.54 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी, तो देखिए ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इन डेटा में हमने क्या किया, इस डेटा से हमने एक्सट्रैक्ट करके इस बीओक्यू तक पहुंचाया।
अब देखिए ये बहुत ही लेंथी पार्ट है जिसके लिए 84 वीडियो लेक्चर ही केवल एस्टिमेशन कॉस्टिंग कोर्स के अंदर है। कहां पर है ये? कॉफ्स और बिल्डिंग के अंदर है। इसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल अवेलेबल है, वहां पर क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस अवेलेबल है, बिलिंग इंजीनियरिंग अवेलेबल है और प्रोफेशनल ऑटो कैड अवेलेबल है। आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी दे दिया है, साथ में क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर जैसे कोर्स भी दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं पूरा ब्रोचर का, जाकर वहां पर देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उसमें। और देखो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो देखो ये नंबर दे दिया हूं 9111001234, इस पे कॉल कर लोगे तो मेरे काउंसलिंग टीम आपकी हेल्प कर देगी। चलिए ये तो बात हुई बीओक्यू की, आज हमने बात की बीओक्यू होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बीओक्यू के बारे में, और आपके मुझसे क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों ऐसे नहीं जाने दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको बोलना ही पड़ेगा मेरे साथ रहकर, क्योंकि आज आप लोग के लिए इस कोर्स के साथ साथ, बोगो के साथ साथ और 23 इंजीनियर के साथ साथ एक फ्री बीओक्यू देकर जा रहा हूं। तो बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि करना है खास, करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।